हाँ भाई, क्या हाल है? तो अभी अपने सामने खड़ी है यामा FZS V3 एंड ये विंटेज एडिशन है, ब्लूटूथ वाला वेरिएंट। तो पहले लुक दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी लग रही है बाइक विंटेज कलर में। तो आज इसी के बारे में बात करूँगा मैं आपको, बताऊँगा कैसी है बाइक। तो स्टार्ट करते फ्रंट से। तो आप देख सकते हो फ्रंट से कुछ इसकी ऐसी लुक आती है, काफ़ी एक क्लासी सी लुक आती है, मतलब एक अलग ही कॉम्पैक्ट सी बाइक है ये, थोड़ा सा एनिमल टाइप की लुक आती है इससे भी आपकी। एंड इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपको फ्रंट में LED लाइट मिल जाती है, तो ये LED पार्ट देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। नीचे की तरफ ये छोटा सा हेलोजन का भी पार्ट मिलता है। तो फ्रंट तो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है। एंड नीचे तरफ देखो तो आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं। एंड जो सस्पेंशन है ये काफ़ी सही है क्योंकि इनकी थिकनेस भी काफ़ी बढ़िया है, तो इस हिसाब से क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड ये हमारे सस्पेंशन वैसे भी काफ़ी बढ़िया होते हैं। एंड नीचे की तरफ बात करूँ तो इसमें टायर देख लो आप, रेडियल टायर मिलते हैं आपको, या MRF के ट्यूबलेस टायर हैं। तो फ्रंट टायर सेक्शन मिलता है आपको 100 का। एंड ब्रेक्स की बात करूं तो ये देख सकते हो बड़ी सी डिस्क प्लेट मिलती है आपको यहाँ पे, सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है आपको यहाँ पे, एंड डुअल डिस्क है, पीछे भी आपको डिस्क देखने को मिल जाता है इसमें। तो ब्रेक्स सीरियसली काफ़ी बढ़िया है क्योंकि मैंने मेरे फ्रेंड की एक BS4 वाला वेरियंट था FZ V3 का, वो मैंने राइड की थी, तो उसका फ्रंट ब्रेक मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एंड ब्लैक अलॉयज मिल जाते हैं आपको वाइट स्ट्रिप्स के साथ। बात करते साइड से, कुछ ऐसी लुक लगती है बाइक की। एंड विंटेज का क्या खास है मैं आपको बता दूं, विंटेज आपको इसमें एक तो देखो एक कलर आपको यहाँ पे को मैट जैसी फीलिंग आ रही है, यहाँ पे मैट कलर है और ये थोड़ा डार्क ग्रीन सा कलर मिलता है आपको यहाँ पे। एंड जो सीट का कलर आपको ब्राउन मिल जाता है, एंड थोड़ा सा एक पुराना सा कलर लगता है, तो इस वजह से इसका नाम विंटेज है। एंड यहाँ पे आपको जो ग्राफिक्स है ये भी जो नॉर्मल वेरियंट आता है उससे अलग है, तो ये विंटेज के ग्राफिक्स भी थोड़े विंटेज टाइप के लगते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको क्रोम का पार्ट देखने को मिल जाता है थोड़ा सा। इंजन की बात करूँ तो आपको इसमें 149cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FIVS6 इंजन मिल जाता है, SOHC इंजन मिलता है आपको यहाँ पे। पावर आउटपुट की बात करूँ तो आपको इसमें 12.4 BHP पावर मिल जाती है, एंड टोर मिलता है आपको 13.6 न्यूटन मीटर का, काफ़ी ठीक है, मतलब ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, Apache से कम पिकअप आपको फील होगा यहाँ पे। तो टो स्पीड भी थोड़ी सी कम मिलेगी यहाँ पे आपको। तो टो स्पीड की बात करूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाती है अराउंड 120 km/h। एंड आपको लेदर फिनिशिंग में सीट मिल जाती है, देख सकते हो आप, स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, सीट काफ़ी चौड़ी सी है, काफ़ी बढ़िया है आपके लिए कम्फर्टेबल, क्योंकि FZ वैसे भी एक कम्फर्टेबल बाइक है, तो सीट काफ़ी बढ़िया है। और जो ये ब्राउन कलर है ये बाइक के साथ काफ़ी सूट कर रहा है सीट का। एंड पीछे की तरफ चलूँ तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मफलर देखने को मिल जाता है, एंड ये कुछ कवर मिलता है मड गार्ड, तो अगर इसको आप हटाओगे तो थोड़ी लुक और अच्छी आएगी, वैसे मड से प्रोटेक्शन चाहिए तो ठीक है। ये आपका रियर टायर मिल जाता है 140 का, काफ़ी वाइड टायर है देख सकते हो आप, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी एंड बैलेंसिंग अच्छी होगी। और ये काफ़ी रेडियल टायर है देख सकते हो, कितना मतलब प्रोफाइल कितनी कम है, तो उसकी वजह से लीन करने में भी काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। इंडिकेटर आपको नॉर्मल मिलते हैं यहाँ पे, LED नहीं मिलते। एंड जो लाइट है रियर, ये भी काफ़ी एक नैरो सी लाइट है, पतली सी, एंड यहाँ भी आपको हेलोजन मिलती लाइट नॉर्मल, ये LED नहीं मिलती। एंड पीछे की तरफ एक ग्रैब रेल मिलता है, मतलब काफ़ी अच्छा मतलब फील आ रहा है टच करने पे, पिलन के लिए काफ़ी सेफ्टी के लिए अच्छा है। साइड से दिखा दूँ फिर से एक बार, बढ़िया लग रही है मेरे को तो पर्सनली। एंड बात करूँ की सीट हाइट की, 790 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है आपको इसमें, तो ठीक है, सीट हाइट ज़्यादा भी नहीं है। और 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है बाइक में, तो काफ़ी चौड़ा फ्यूल टैंक है वैसे तो, देख सकते हो आप राइड करोगे तो आपको एक फील भी आने वाला है। और यहाँ पे ब्लैक पार्ट देखने को मिलता है फ्यूल टैंक पे, और कलर है ये तो काफ़ी बढ़िया लग ही रहा है विंटेज का, और ग्राफिक्स भी देख ही लो आप, काफ़ी कूल लग रहे हैं बाइक के साथ। एंड माइलेज की बात करूं तो आपको ये 40-45 km/h के माइलेज दे देगी बाइक। एंड नीचे आपको साइड स्टैंड विद डुअल स्टैंड दोनों स्टैंड मिल जाते हैं। एंड साइड स्टैंड की बात करूं तो इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी देखने को मिलता है, सेफ्टी फीचर है, कूल है। एंड यहाँ पे आपको नीचे मड गार्ड मिल जाता है, तो मड से प्रोटेक्शन करेगा, बट ये इतना एग्रेसिव नहीं लग रहा, ठीक लग रहा है, जैसे कुछ बाइक्स में आता है वो काफ़ी एग्रेसिव लगते हैं, लुक को एनहेंस करते हैं, बट ये नॉर्मल से है। ऊपर की तरफ बात करूँ हैंडल बार की, तो देख सकते हो काफ़ी अपराइट पोजिशन पर इसका हैंडल बार सेट है, तो मतलब काफ़ी कंफर्टेबल राइड करोगे आप, लॉन्ग राइड भी इजीली करोगे, आपके हाथ में बैक में कहीं भी कोई पेन नहीं होने वाला। क्लच की बात करूँ तो वेट मल्टीपल क्लच मिलती है आपको यहाँ पे, ठीक है, हार्ड भी नहीं है ज़्यादा। एंड मिरर्स मिल जाते हैं नॉर्मल, विजिबिलिटी ठीक ठाक होगी इनकी भी, स्विच क्वालिटी बढ़िया है इसकी, काफ़ी अच्छी स्विच क्वालिटी मिलती है, सिंगल हॉर्न मिलता है। एंड यहाँ पे आप की होल मिल जाता है आपको, की कुछ ऐसी मिलती है यामा की,
और बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के, तो डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है आपको यहाँ पे एंड नेगेटिव डिस्प्ले मिलती है। तो यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर एंड स्पीडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल दिखाता है, ट्रिप ए ट्रिप बे ट्रिप सी मिलती है आपको यहाँ पे, एंड टाइमिंग भी दिखा देती है आपको ये। एंड इसमें आपको ब्लूटूथ फीचर मिलता है, उसमें क्या है कि आप अपनी बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं, बाइक को ऑन ऑफ फ़ोन के द्वारा कर सकते हैं। अगर आपकी बाइक कहीं और है, चोरी भी हो जाए, तो आपको लोकेशन भी दिखा देगी, फाइंड माई बाइक, काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। बट वो अभी मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये जब कस्टमर बाय करता है उसी टाइम ये सेट करते हैं उसको। तो काफ़ी ठीक है, ब्लूटूथ भी इस मतलब सेगमेंट में आ गया है, तो काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को ये चीज़। बाकी तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। इसका प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस आपको पड़ता है ऑन रोड 130,000, वैसे इसका एक्सशोरूम में 111,000 रुपये। ये थोड़ी सी पावर और ज़्यादा होती तो ये बाइक काफ़ी बढ़िया होती, बाकी तो कम्फर्टेबल बाइक है। तो चलो ठीक है यार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, खुश रहो, मौज लो, बाय।